कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं यूएसबी ट्रैक के बारे में। यूएसबी ट्रैक क्या होता है, यूएसबी ट्रैक मोबाइल फोन में काम कैसे करता है और इसका क्या यूज रहता है, ऐसे प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहली बात क्या है, यूएसबी ट्रैक से हमारे मोबाइल फोन में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती। उससे प्रॉब्लम इस बात का रहता है कि जब हम मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से अटैचमेंट नहीं होता जा करके, अगर ट्रैक खराब होता है। ज़्यादातर क्या होता है, जितने भी रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन होते हैं वो लोग फ़ोन में क्या होता है चार्जिंग भी तो बदल देते हैं, लेकिन उसके बाकी और भी पिनें जो होती है वो कनेक्ट ना करने के कारण वो फिर कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता। वो प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास कोई फ़ोन आता है उसमें पासवर्ड लग गया, FRP के लिए आ जाए या फ़ोन चलना नया सॉफ्टवेयर डालना हो तो भाई उसको कंप्यूटर से जोड़ना पड़ेगा, कंप्यूटर से अटैचमेंट करना पड़ेगा। जब तक कंप्यूटर में अटैचमेंट कब होगा, जब आपका USB ट्रैक सही होगा। तो आज हम USB ट्रैक के बारे में पूरे कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। जितने आप तो जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में 5 पिन का USB जैक आता है, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी सारे फ़ोन आते हैं सारे फ़ोनों में 5 पिन का USB ट्रैक आता है। हमें क्या करना होता है, इसी 5 पिन USB ट्रैक को क्या करना होता है, रिपेयर करना होता है। इसमें साइड में जो दिए होते हैं हम बोलते हैं लॉक बोलते हैं, और ये वाली पिन आपकी क्या है, ग्राउंड होती है, निगेटिव होती है। ये वाली पॉइंट जो होती है जिसमें बोलते हैं VCH बोलते हैं, वोल्टेज आप चार्जिंग, ये पिन किसके लिए होती है, चार्जिंग के लिए होती है। उसके बाद जो एक ये पिन होती है और एक ये होती है, ये वाली पिन, ये जो तीनों पिन जो होती हैं ये डाटा केबल की होती हैं। किसके लिए होती है, डाटा केबल। ये पिन जो दी होती है आपके मोबाइल फोन में, ये डाटा केबल की होती है कि डाटा केबल को क्या करती है, अटैचमेंट करती है। कंपनी क्या काम करती है, इसके ट्रैक में या तो रेजिस्टेंस लगा देती है या तो यहाँ पर फिर डायोड लगा देती है। इसका जो कनेक्शन होता है वो सीधे आपकी जो होती है जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन में एक ये वाली पिन पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली पिन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये तीनों पिन का जो कनेक्शन होता है कहाँ से होता है, CPU IC होता है, क्योंकि हमारी CPU IC होती है उन पिनों को क्या करती है, डिटेक्ट करती है, मतलब पिनों को पकड़ती है। यदि आपके फोन में डाटा केबल नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आप फोन के अंदर जैक चेंज कर दीजिए। आप जैक की प्रॉब्लम आती है तो जितने भी सारे मोबाइल फोन आ रहे हैं सारे मोबाइल फोन में ये UI भी अलग से आ रहा है। ये जो नीचे का बोर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं UI बोर्ड बोलते हैं, जिसे आप बोलेंगे ये आपका UI बोर्ड भी अलग से आ जाता है, आप पूरा बोर्ड का बोर्ड बदल दीजिए। लेकिन अगर हमें ट्रैकिंग रिपेयर करना है तो हम क्यों फालतू में UI बोर्ड बदल देंगे, पैसा खर्च करेंगे, हम सिर्फ उसकी सप्लाई को बना कर उसे ठीक कर सकते हैं। या बहुत ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें क्या होता है डाटा केबल जैक जो होता है डायरेक्ट बोर्ड में ही लगा होता है, आप बोर्ड में ही लगा होता है आप क्या UI बोर्ड रहोगे, उसके लिए आपको तो रिपेयर ही करना पड़ेगा। रिपेयर करने के लिए क्या होगा, जब आप माइनस वाले ट्रैक में चेक करेंगे तो माइनस वाले ट्रैक में चेक करने पर बीप आती है, ग्राउंड से जब आप चेक करेंगे तो माइनस वाले ट्रैक में बीप आएगी, और ये वाले जो ट्रैक होते हैं इसमें ट्रैक में चेक करने पर आपको क्या आएगी, वैल्यू आएगी, और इसमें भी चेक करने पर क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अगर इन तीनों ट्रैक में से वैल्यू आती है तब तो सही है, अगर वैल्यू नहीं आती है प्रिंट फट जाता है तो उसी का लाइन खराब हो जाता है। अब उसका लाइन खराब हो जाता है तो क्या करेंगे, आप उसके लाइन में देखेंगे उसके ट्रैक में यहाँ पर डायोड और रेजिस्टेंस लगे होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, अब जैसे मान लिया इसकी सप्लाई खराब हो गई, ये इसकी खराब हो गई, जिसकी सप्लाई खराब हो जाएगी आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से या फोन से या अपनी आंखों से नॉर्मली जब आप ऐसे गौर करके देखेंगे तो इसके जो ट्रैक होते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ ये जैक लगा हुआ है, बारीक बारीक से चलते हुए दिखते हैं और इसके ट्रैक में ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं, मतलब ऐसे सही ट्रैक दिखते हैं। जब आपको ट्रैक दिखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इस पर सप्लाई नहीं आ रही
ये इसका प्रिंट फट गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके सीधे डेबोर्ड पे या इस रजिस्टर पे ऐसे जम्पर मार देंगे तो आपका लाइन क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, लाइन ओके हो जाएगा। या आप इन दोनों को चेक करिए, जैसे मान लीजिए आपको तीन रजिस्टेंस मिल गए, तीन रजिस्टेंस में एक का ट्रैक फट गया, तो आप दो को ढूंढ लीजिए, तो उसी के बगल में जैसे तीसरा रजिस्टेंस लगा होगा, इस तरीके से क्या करेंगे उसके ट्रैक को फाइंड आउट करेंगे। जैसे ट्रैक को फाइंड आउट कर लेंगे, आप उस ट्रैक को जोड़ देंगे, आप ट्रैक को जोड़ देंगे और आप तो सॉरी इसे कैसे चेक करेंगे, आप डाटा केबल लीजिए, कंप्यूटर से लगाइए, जैसे कंप्यूटर से लगाएंगे तो उसमें यूएसबी का ऑप्शन आ जाएगा, यूएसबी कनेक्टेड, यूएसबी रिकॉग्नाइज, यूएसबी फेल या कुछ भी ऐसा मैसेज आता है, तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि आपका मोबाइल फोन उससे कनेक्टिविटी ले लिया, क्योंकि भाई कनेक्टिविटी ले लेगा तभी तो कुछ इसमें मैसेज देगा, जब तक कनेक्टिविटी लेगा नहीं तो मैसेज क्या देगा। तो कंप्यूटर में इस चीज़ को हमें कंप्यूटर से चेक करना पड़ता है कि हमारा मैसेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए आप इस चीज़ को क्या करेंगे, मोड में चेक करेंगे, जैसे ही हमारे पास मोबाइल फ़ोन है आप लोग देखिए ये इसका ट्रैक दिया हुआ है, देखिए अब आप इसके ट्रैक को क्या करेंगे देख रहे होंगे, इस ट्रैक में अगर आप गौर से देखेंगे, पिन दीजिए मुझे, इस ट्रैक में आप गौर से देखेंगे जैसे ये जाएगा, इसमें पांच पिन का जाएगा, कितने पिन का जाएगा, पांच पिन का, इसका ये वाला प्लस होगा, ये वाला पॉइंट माइनस होगा, ये तीन पॉइंट होंगे किसके होंगे, यूएसबी के होंगे। अगर आप देखेंगे तो जिसका सेकंड वाले का ट्रैक इस डायोड पे जा रहा है और थर्ड वाले का ट्रैक इस डायोड पे जा रहा है और जो फोर्थ वाला ट्रैक है वो इस कैपेसिटर पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैपेसिटर से, कैपेसिटर पे। तो आप क्या करेंगे, अगर सेकंड वाला उखड़ जाएगा तो डायोड पे, ये वाला इस पे और ये वाला कैपेसिटर पे, इस तरीके से क्या करेंगे एक एक करके तीनों ट्रैक है, तीनों ट्रैक को क्या करेंगे जोड़ देंगे। आप देखिए मैं आपको तीनों ट्रैक को टेस्ट करके दिखाता हूँ एक बार, पकड़िए इसे, तीनों ट्रैक को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को आपको बी पॉइंट पे लगाना है, बी पॉइंट पे लगाने के बाद आपने ग्राउंड पे रखना है, पावर बटन एक बार दबाइए, इधर हमने क्या करना है, माइनस वाली को रखा तो माइनस वाली पे बीप आएगी, बीप आएगी, आ रही बीप, आ रही है, उसके बाद हमने जब पहली वाली पॉजिटिव पे रखेंगे तो हमारी क्या आएगी, रीडिंग आएगी, आ रही है, फिर उसके बाद आप जितने भी सारे पॉइंट है सारे पॉइंटों में चेक करेंगे, जिस पे रीडिंग आ रही है 311, तीसरे वाले पे आ रही है, चौथे वाली पे आ रही है रीडिंग आ रही, तो इसका मतलब क्या इसका ट्रैक सही है। अगर आप देखेंगे आपने इस पर रखा, देखा आपने यहाँ तक बीप आ रही है, इसका ट्रैक इस कैपेसिटर से बीप दे रहा है, इसका वाला ट्रैक जो होता है इस डायोड से बीप दे रहा है और इसका ट्रैक जो होता है इस डायोड से बीप दे रहा है, तो तीनों ट्रैक ये आपस में जुड़े हुए हैं ठीक है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आप डाटा केबल लेंगे और डाटा केबल को क्या करेंगे, कंप्यूटर से अटैचमेंट कर देंगे। देखिए डाटा केबल दीजिए, फोन नहीं चल, फोन अभी चालू नहीं है, कर डाटा केबल लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये डाटा केबल को सीधे सीधे इसके अंदर इंसर्ट करेंगे ऐसे, अब यहाँ पर डिटेक्शन आना चाहिए, यहाँ पर जैसे है डिटेक्शन आना चाहिए, आप लोगों को डिटेक्शन नहीं आ रहा है, डिटेक्शन ना आने पर हम क्या करेंगे, जैसे कोई दूसरा फ़ोन लेंगे उस दूसरे फ़ोन को हम क्या करेंगे इसमें कनेक्ट करेंगे, आप उसमें देखिए कंप्यूटर में दिखाइए, जैसे आप इसे लगाएंगे तो इसमें क्या देखो डिटेक्शन आ गया। अब ये डिटेक्शन आने का मतलब ये था, ये आपका यूएसबी कनेक्टिंग का डिटेक्शन है, किसका डिटेक्शन है, यूएसबी कनेक्टिंग का, कि मतलब यूएसबी कनेक्ट हो गई, क्या हो गई, यूएसबी कनेक्ट हो गई। तो अगर आप जैसे इस ट्रैक को रिपेयर करेंगे तो आप में ऐसा मैसेज आ जाएगा, इस तरीके से कंप्यूटर पर लगाते ही ऐसा मैसेज आ जाएगा, वो यूएसबी सेंस करेगा, जब यूएसबी सेंस करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर से इसका ट्रैक हो गया, कनेक्ट हो गया, आप कनेक्ट हो गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं तो सारे मोबाइल फ़ोन को यूएसबी ट्रैक को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं।
ये प्रॉब्लम ज़्यादातर तभी आती है जो हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम रिपेयर करनी हो या सॉफ्टवेयर का कोई सोल्यूशन करना हो, और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के लिए क्या करना होता है, जो हमें डाटा कंप्यूटर से जोड़ना होता है।